a concave lens of focal length 15 centimeter from an image 10 centimeter from the lens. Okay. अब ध्यान सारा चेक करिए बच्चों, एक कॉन्केव लेंस है आपके पास, ये देखिए हमने कॉन्केव लेंस एक बना लिया, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है और ये रही इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। अब क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, तो इसका फोकल लेंथ कितना है बताइए, 15 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो लेट अस अज्यूम बच्चों ये 15 सेंटीमीटर है, ये देखिए यहाँ पर इसका फोकल, ये इसका प्रिंसिपल फोकस है, ठीक। याद है आपको कॉन्केव लेंस के बारे में, मैं आपको फटाफट याद दिला देता हूँ, कॉन्केव लेंस में क्या होता था याद करिए, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक, और पैरेलल आती हुई जो रेज होती थी, ये देखिए पैरेलल आती हुई रेज क्या करती थी, क्या करता था, इसको डाइवर्स कर देता था ऐसा, तो ये रिफ्रेक्ट होकर इधर चली आएगी और ये ऐसे। और सोचो जब हम यहाँ पे अपनी आइज लगाते हैं सामने, तो हमारे ब्रेन को क्या लगता है कि ये वाली रे यहाँ कहीं से आ रही है और ये रिफ्रेक्टेड रे यहाँ कहीं से आ रही है, ठीक है। इसको बैक ट्रेस करेंगे, पीछे इसको डॉट डॉट करके मीट करेंगे, तो हमें यहाँ पे मीट होते हुए नजर आएगी, इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इसका प्रिंसिपल फोकस, याद है। तो बच्चों देखिए, ये रहा आपका ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, लेंस का ऑप्टिकल सेंटर, ये ओ से एफ जब आप चलोगे तो आप तो रे के चलने की डायरेक्शन के जस्ट ऑपोजिट चल रहे हो, चेक करिए, रे लेफ्ट से राइट आ रही है और आप ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की तरफ राइट से लेफ्ट आ रहे हो, तो फोकल लेंथ कैसा हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा। तो चेक करिए ये फोकल लेंथ जो है वो आपका कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ, तो ये भी जो भी फोकल लेंथ इन्होंने हमको दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका साइन कैसा लेना है आपको, नेगेटिव, ठीक है ना। फॉर्म्स एन इमेज ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ठीक। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहां पर क्या हो रहा है, देखिए O से F तक ये तो 15 हो गया, और माइनस साइन हमने क्यों लिया है, वो केवल डायरेक्शन को दिखा रहा है कि हमारा फोकल इधर है, फ्रंट ऑफ द लेंस है, ठीक है ना, हमारा फोकस कहाँ है, फ्रंट ऑफ द लेंस है। ओके, आपकी इमेज कहाँ बन रही है, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, लेंस से 10 सेंटीमीटर पे हमारी इमेज बन रही है। अब बिहाइंड बनेगी कि कहाँ बनेगी, तो ये सब जानने के लिए देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप कैलकुलेशन कर लो, आप ये पता कर लो कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, मतलब आप यू फाइंड कर लो, क्या फाइंड कर लो बताओ, यू फाइंड कर लो, ठीक। वी आपको गिवन है, V कितना गिवन है बताइए, पढ़िए जरा, फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ठीक है, लेंस से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे इमेज हमारी बन रही है, 10 सेंटीमीटर पे कहाँ बन रही होगी, सोचिए बिहाइंड द लेंस, मतलब यहाँ पीछे कहीं बन रही होगी कि फ्रंट ऑफ द लेंस, मतलब यहीं पे जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ, तो जब आप इधर ही ऑब्जेक्ट रखोगे ना सामने, तो इधर ही इमेज बनेगी, कॉनकेव के दो ही तो केस थे, क्या, एनी वेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी, ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखिए, आपकी इमेज कहाँ बनेगी, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। और एक और केस था, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, दो ही तो केस है। तो पक्का आपकी जो इमेज है वो यहाँ कहीं बन रही होगी, ओ से ये एफ की तरफ यहाँ कहीं, देखिए ये अगर पूरा 15 है तो यहाँ कहीं 10 होगा, तो ये देखो यहाँ पे आपकी इमेज बन रही होगी यहाँ, और वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही होगी, ठीक है ना। तो यानी कि बच्चों जो V का साइन होगा वो कैसा लोगे आप, -10 सेंटीमीटर लोगे, V इमेज डिस्टेंस -10 लेंगे, क्यों, ऑप्टिकल सेंटर से आप कहाँ आ रहे हो, लेफ्ट में, और रे लेफ्ट से कहाँ जा रही है, राइट में, बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देखिए जरा फॉर्मूला लगाते हैं, 1/F = 1/V - 1/U, और V कितना लेना है आपको, -10 सेंटीमीटर लेना है, ठीक है ना। अभी पूरा रे डायग्राम कंप्लीट करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलो तो ये हो जाएगा 1/F की वैल्यू कितनी, -15, ठीक है ना, -1/V, 1/V का साइन -10, और -1/U, आपको क्या लगता है U का साइन कैसा आना चाहिए, नेगेटिव की पॉजिटिव, मुझे तो लग रहा है नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि भाई ऑब्जेक्ट इधर ही तो रखा हुआ कहीं, रे कहाँ से कहाँ जा रही होंगी, लेफ्ट से राइट, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करोगे तो ऐसे, रे लेफ्ट से राइट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऐसे, रे लेफ्ट से राइट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस राइट से लेफ्ट, तो आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ कैसे ले रहे हैं, रे के चलने की डायरेक्शन के जस्ट ऑपोजिट, इसलिए यू कैसा आना चाहिए, नेगेटिव। अभी दिखाते हैं, आएगा, परेशान ना हो, ध्यान से चेक करो, ये हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में आपके पास, ध्यान से चेक करिए बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए ये जो माइनस है आपका, ठीक है ना, इसको आप ऊपर भी लगा सकते हो ऐसा यहाँ पे, ठीक। अब ये -1/U कहाँ आएगा, लेफ्ट में, तो ये हो जाएगा 1/U = ध्यान से चेक करो, 1/-10 का मतलब -1/10, ओके। और ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये -1/15 राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1/15, ओके, कोई डाउट है बताइए, सिंपल है। नाउ यहाँ से हो जाएगा आपके पास क्या, 1/U = 15 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 50, तो एलसीएम आ गया आपके पास 50, 50 को 10 से डिवाइड करिए कितना आ जाएगा, 5 × -1 - 5, ठीक है ना, और प्लस 50 को 15 से डिवाइड करिए, ओ सॉरी ये गलत हो गया बच्चों, थोड़ा सा गलत हो गया, 30 आएगा यहाँ पर, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये 15 को मैं 25 सोच लिया, सॉरी, वेरी सॉरी। तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 15 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30, है ना, तो यहाँ पे आ गया 30, 30 को डिवाइड करिए किससे, 10 से, कितना आ जाएगा, 3 × -1 - 3,
और प्लस 30 को डिवाइड करेंगे 15 से, 15 से जब डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 इंटू 1 2, ठीक है ना। तो यहाँ से आ गया आपके पास 1 अपॉन u इज इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस 2, कितना हो जाएगा माइनस वन अपॉन 30, करेक्ट। नाउ टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड, u अपॉन 1 u होता है और 30 अपॉन माइनस 1 माइनस 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आप चेक कर लीजिए बच्चों u कैसा आ गया, नेगेटिव, सही है ना। एक इंपॉर्टेंट बात सुनिए मेरी बात ध्यान से, देखो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस कितना हो गया 15, तो F से लेके यहाँ पे 2F तक ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा 15, तो 15 और प्लस 15 कितना हो जाएगा टोटल 30, यानी कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा हुआ है 2F पर बस। तो इसका आप रे डायग्राम भी बना सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ए बी। अब इसका रे डायग्राम कंप्लीट करो, कैसे करोगे, पैरेलल आएगी एक रे और ये जो पैरेलल होगी, ठीक है, ये आफ्टर द रिफ्रेक्शन कहाँ से आते हुए नजर आएगी बताइए, फोकस से, याद है आपको, ये देखिए ये ऐसा, ये यहाँ से डाइवर्ट हो जाएगी, यहाँ हम अपनी अगर आईज लगाएं तो हमको बैक ट्रेस करने पर ऐसा समझ में आएगा कि ये रे कहाँ से आ रही थी, फोकस से, ठीक। और दूसरी रे हम लेंगे कहाँ, ऑप्टिकल सेंटर के निशाने पर, ये देखिए दूसरी रे हमने ली कहाँ पर, ऑप्टिकल सेंटर के निशाने पर। तो आप देखिए बच्चों जहाँ पर मैंने निशान लगाया था लगभग वहीं पर इमेज आपकी बनी है, ये देखिए ये बना ए डैश और बी डैश, करेक्ट, ए डैश बी डैश। तो आपकी इमेज कहाँ बनी, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, को डाउट है बताइए, हाँ। तो वी का साइन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव, यू का साइन भी कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। इन्होंने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस, ड्रॉ द रे डायग्राम, ठीक है, यही पूछा था, रे डायग्राम पूछा था ना, रे डायग्राम तो मैंने बना दिया है, ठीक है ना। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, नोट कर देते हैं कैसे लिखेंगे आंसर, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, एट अ डिस्टेंस ऑफ व्हाट, 30 सेंटीमीटर बस, इन फ्रंट ऑफ द लेंस, इन फ्रंट ऑफ द लेंस, ओके, लेंस के फ्रंट में सामने, ओके, नोट कर लीजिए।